अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज की टॉपिक है ईमान। ईमान क्या है, इसे आज जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ईमान क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आप कोई नेकी करें, कुछ भी नेकी हो, नमाज, कुरान, सदका, खैरात, जो भी आप नेकी करें, उससे आपका दिल खुश हो, तो समझ लेना। और उसके बाद आपने फरमाया, जब कोई गुनाह करे, गुनाह बहुत सारे हैं, तो जो भी आप गुनाह करते हैं, अगर गुनाह से आपका दिल मायूस हो जाए और इबादत से आपका दिल खुश हो जाए, तो यही ईमान का सच्ची पक्का निशानी है अल्लाह पर। तो आप नेकी की तरफ ज़्यादा दौड़ें, नेकी जैसे नमाज, इबादत, कुरान, सदका, खैरात, अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आए, और गुनाह अल्लाह से डरे, क्योंकि अल्लाह ने पूरी दुनिया में इंसान को सबसे अव्वल दर्जा अता फरमाया है। हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, उसके बाद हर एक दौर में अल्लाह ने नबी को भेजा, और हम लोग उस नबी की उम्मत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिसने पैदा होते ही रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाया और सजदे में गिर गया, उम्मती या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, सजदे में गिर कर अपने अल्लाह से उम्मत के लिए दुआ फरमाते रहे, और अपने उम्मत के लिए, मकसद के लिए दुआ मांगते रहे अल्लाह पर। तो हम उस नबी की उम्मत हैं, और आज हम लोग दीन में, दौलत कमाने में, वगैरह वगैरह चीज़ में लगे हैं, हम लोग आखिरत का फिक्र नहीं है। दुनिया के सुबह उठते हैं, नमाज नहीं, कुरान नहीं, बस सुबह उठा, काम पे निकल गए, इधर उधर रोज़ी की तलाश में पैसे। अल्लाह ने हम सबको भेजा ही है इबादत के लिए। अब एक टाइम निकाल लें, उस टाइम पे मेंटेन करके आप नमाज अदा करें, जहाँ कहीं भी, ज़रूरी नहीं आपको जमात से अदा करनी है, अगर टाइम मिले तो जमात भी पढ़ लें। दिन भर में 5 नमाज़ें हैं, किसी टाइम आपको मस्जिद में जाने की तौफीक दे अल्लाह हम सबको। अब जहाँ भी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, किसी काम में हो, वहीं पे आप टाइम पे घड़ी देख के नमाज अदा कर लें। रब का इबादत बहुत ज़रूरी है, और नमाज तो ऐसे ही तमाम इबादतों में सबसे अव्वल नमाज है, क्योंकि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं, मर्द, मोमिन और औरत पे। तो नमाज की पाबंद रहे, अल्लाह और उसके रसूल पे कायम दायम रहे, अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आए, और अपनी ईमान की हिफाजत करें, गुनाह से बचे, अल्लाह से डरते रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक जगह मौजूद है। तो अपने गुनाह को भी याद करके रब से दुआ मांगे, दुआ मांगे। दुआ एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दुआ से ही हर एक मसला हल होता है। तो जब भी आप नमाज पढ़ें, नमाज से फारिग होकर रब की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ करें, अपने फरियाद पेश करें, वही सुनने वाला है, और दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं, वही अता करने वाला है। जो भी आपकी दिली ख्वाहिश हो, पूरा रख दे, खोल दे अपने बारगाह में रब के लिए, या अल्लाह मुझे ये है, अल्लाह ये है,